हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज ले में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने यूनिट 5 साइंस की आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। लेट्स सी फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। एंड प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। इट इज़ अ रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर एम्प्लॉयड बाई टीचर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज टू इम्प्रूव स्टूडेंट अटेनमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये होता है, ये ना एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल असेसमेंट का प्रोसीजर होता है, जो कि ना टीचर्स मतलब हमें कुछ ना कुछ टेस्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, एक ऑर्डर में ये हमें ना अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं, हमें छोटे छोटे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ना टीचर्स को भी मतलब उनकी टेक्निक्स में हेल्प मिलती है कि हाँ कितना बच्चे अटेन कर पा रहे हैं लर्निंग को, मतलब उन्हें अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है। एंड स्टूडेंट्स को अपनी एक्टिविटीज से पता चलता है कि उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है एंड वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो बच्चे एंड टीचर्स दोनों ही अपने आप को मॉडिफाई कर पाते हैं टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू, जो कि पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसका गोल क्या होता है। द गोल इज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग to provide ongoing feedback that can be used by instructors to improve their teaching and by students to improve their learning. Goal ये रहता है formative assessment का कि हम students को देख सके कि उनकी learning जो उन्हें provide की जा रही है क्या वो अच्छे से बच्चे उसको attain कर रहे हैं, जो भी instructors उन्हें provide कर रहे हैं, उन्हें feedback दे रहे हैं, क्या उससे help मिल रही है बच्चों को कि हाँ उनकी improvement हो रही है बच्चों की learning में या नहीं हो रही है। एंड साथ ही साथ टीचिंग्स में भी, मतलब टीचिंग मेथड में भी क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है टीचर्स के अंदर या नहीं हो रही। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ टारगेट्स एंड वीकनेस एरियाज दैट नीड वर्क हेल्प। फैकल्टी रिकॉग्नाइजेस वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सके अपने स्ट्रेंथ को, उनका टारगेट क्या है, अपने वीकनेस एरियाज को, एंड ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे उन्हें हेल्प की ज़रूरत है या फिर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। और जो फैकल्टी होती है वो रिकॉग्नाइज कर पाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कहाँ पे स्ट्रगल फेस कर रहे हैं एंड उनकी प्रॉब्लम्स को इमिडिएटली पता कर पाती है थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। It is more valuable for day-to-day teaching when it is used to adapt the teaching to meet students' need. ये बहुत ज़्यादा valuable है day-to-day teaching life में, because इसको हम use कर सकते हैं, ये हमें पता लग जाता है कि हमें कौन सी teaching method का use करना है, ताकि हम जो students की एक individual need है हर एक student की, हम उसको पूरा कर सकें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एजुकेटिव एंड क्लासरूम असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम एजुकेटिव और क्लासरूम असेसमेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया, रिसर्चर्स डेवलप जनरेटिव एक्टिविटीज एंड मॉडल इलेक्टिंग एक्टिविटीज। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला है कि ना जो रिसर्चर्स हैं मतलब जो रिसर्च करते हैं उन्होंने डेवलप किया जनरेटिव एक्टिविटीज को एंड कुछ मॉडल इलेक्टिंग एक्टिविटीज को। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ हम जनरल एक्टिविटीज कराएंगे ताकि बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके, हम उनकी स्किल्स का पता कर सके। एंड मॉडल इलेक्टिंग एक्टिविटीज में है कि हम ना बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जिसमें उन्हें खुद किसी चीज को लेके मॉडल्स बनाने या फिर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हम उनको ये वाली एक्टिविटीज कराएंगे ताकि बच्चों की लर्निंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाए। आस्किंग स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ कॉन्सेप्ट मैप इन क्लास टू रिप्रेजेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। हम बच्चों को क्लास में बोल सकते हैं कि आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओ क्लास के अंदर, ताकि आप रिप्रेजेंट कर सको किसी भी टॉपिक की कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। जैसे कि कंसेप्ट मैप क्या होता है, कंसेप्ट मैप होता है कि जब हम एक फ्लो डायग्राम में एक मान लो कोई पर्टिकुलर जैसे पॉल्यूशन है, ठीक है, तो पॉल्यूशन हमने 4 टाइप्स बना दिया, लैंड एयर वाटर नॉइस। ठीक है, हमने ये 4 मतलब पॉल्यूशन का सर्कुलर फॉर्म में लिख के बीच में लिखा पॉल्यूशन, देन हमने 4 डंडे निकाले, देन हमने क्लाउड्स में ये चारों नेम लिख दिए, लैंड एयर वाटर नॉइस। एंड देन लैंड पॉल्यूशन क्या होता है हमने उसको डिफाइन अप कर दिया, फिर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए उसके, देन वाटर के नीचे वाटर पॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स दे दिए, एयर के नीचे एयर पॉल्यूशन के, एंड उसके नीचे नॉइस के नीचे नॉइस पोल्यूशन के एग्जाम्पल दे दिए। तो वो हमारा एक कॉन्सेप्ट मैप हो गया जिसे देखते ही एक फ्लो चार्ट टाइप हो गया, जिसे देखते ही एक टीचर समझ जाएगा कि उन्होंने जो समझाया है उससे बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसने कितनी इंफॉर्मेशन
अपने अंदर अटेन कर लिया, कितनी नॉलेज उसको रिटेन हो गई है। सो यहाँ पे ये हमारा वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको पसंद आई होगी, एंड जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।